हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख आपको पता ही होगा, विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स में सबसे ज़्यादा फीमेल्स को जो प्रॉब्लम होती है, जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं उनको फीमेल को प्रॉब्लम ये होती है कि वो पहने क्या ठंड के टाइम में। बिकॉज अगर आपने नीचे लेगिंग्स डाले तो बहुत ही बेकार लगता है वेस्टर्न ड्रेस में, और कुछ और पहना है बिना बिना किसी चीज़ के पहने तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। फैशन फैशन की जगह होता है, लेकिन कम्फर्ट और ठंड नॉर्मली सबको लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसके लिए एक ख़रीदा है पिंक कलर का, जो कि बहुत लोगों को, लड़कियों को ऑलरेडी पता होगा। ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा करा है, 700 रुपीज़ का ये पड़ा है। लेकिन आई मस्ट से कि जो भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है, जो भी घूमने जाने वाले हैं, जो भी कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फुल है। इवन आपको पहनकर भी दिखाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे कि मान लीजिए आप ठंड के टाइम में, बहुत ही कम लेडीज होती है जो वैक्सिंग कराना चाहती हैं, जिनके ऑलरेडी हेयर ग्रोथ हो चुकी है, और वो हमेशा उनके दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर मैंने इस तरीके की, अगर ये स्टॉकिंग्स कहलाते हैं, आई थिंक फैंस या अंदर फर स्टॉकिंग्स कहते हैं इसको। आप अंदर से देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, बहुत ही मोटी भी नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसे पहनकर भी आपको दिखाऊंगी। तो इसका साइज़ एक्चुअली कुछ एज सच साइज़ नहीं होता, ये जो होती है ये शायद फ्री साइज़ आती है, तो मैंने शायद फ्री साइज़ लिया, अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो इस वीडियो में आपके सामने मैं ट्राई भी करके दिखाऊंगी। तो दिस इज़ अ स्किन कलर और फुल आपको लेग्स वेग्स सब अच्छे से बंद हो जाते हैं। सो मैं उसको पहनकर दिखाऊंगी कि कितना अच्छा आपको फील देगा और कितना अच्छा आएगा। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ, मैं अभी तक मैंने वैक्सिंग नहीं कराई है, तो वैक्सिंग जो भी फीमेल को, एक्चुअली जब मैं खरीद रही थी ना ये, तो उसमें एक क्वेश्चन था, मैं इसका क्वेश्चन कहीं पे लगा दूंगी अगर मुझे अमेजोन पे मिलेगा। वहाँ पे एक लड़की ने पूछा था कि क्या इसको कराने से पहले आपको वैक्सिंग कराने की ज़रूरत है, कि इसमें से बाल कितने ज़्यादा दिखेंगे कितने ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये भी कंसर्न होता है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मेरी हेयर ग्रोथ कितनी है, और उसको पहनने के बाद आपको बताऊंगी कि आपको वैक्सिंग की ज़रूरत होती है नहीं होती, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी पैर की, जो ये देख सकते हो मैं बैठी हुई थी, इधर से यहाँ पे निशान पड़ गया। तो आप देख सकते हैं पैरों में मेरे जो बाल है हल्के हैं, लेकिन है, ये देख सकते हैं फुल ग्रोथ आ चुकी है मेरी। पैरों की ग्रोथ कुछ खास इतनी नहीं है, ऐसी ही ग्रोथ है। तो ये रही, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि एक्चुअली कैसा लगता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने पहन के आपको दिखा दिया, और एक मैंने शॉर्ट्स पहन लिया कि एटलीस्ट लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगी कैसा लगता है पहन के। और ये पूरी नीचे तक मैंने पहन लिया है अच्छे से, मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है पहन के ये। और कोई बिलीव नहीं कर सकता कि इसके नीचे आपने स्टॉकिंग्स पहने हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं ये। और ट्रस्ट में आपको कोई भी वैक्सिंग कराने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये वैक्सिंग बिल्कुल भी आपके जितने भी बच्चे कुछ बाल हैं वो बिल्कुल भी इसमें दिखेंगे नहीं। और इट्स सो सो कम्फर्टेबल टू वेयर, और आप ऑब्वियसली पूरे ठंड एंजॉय कर सकते हैं शॉर्ट्स कपड़े पहन के, जो भी आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं। सो आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय। मैं आपको पूरा नीचे से भी दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। नीचे से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लग रहा है ये, ये रहा, नज़दीक से दिखा देती हूँ कुछ ऐसा लग रहा है। और ट्रस्ट में आपको मैंने बताया भी था मेरे थोड़े से बाल हैं, लेकिन सही बता रही हूँ, कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी वैक्सिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको फुल अच्छे से ये मिल जाएगा, नीचे तक का पूरा कवरेज मिल जाएगा। सो इफ़ यू वांट कि अगर आप जैसे कि वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं और अगर आपको कहीं घूमने जाना है जैसे हिल स्टेशन में, तो डेफिनेटली आप इसके बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो वो सारे के सारे ले सकते हैं। सो रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।